गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए बेटा, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस समय आप लोगों को सप्लीमेंट्री का चैप्टर 3 पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक महेंद्र नाम का व्यक्ति था, जो एक सुपरवाइज़र था किसी कंपनी में, और उसके साथ एक कुक काम करता था जिसका नाम ईश्वरन था, और वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाता रहता था और अच्छा खाना भी बना लेता था हर एक चीज, और खूब सारी बातें भी करता रहता था महेंद्र से। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, इसके आगे का पढ़ना है। ईश्वरन आल्सो हैड अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इन इंग्रेडिएंट्स। ईश्वरन के अंदर जो है वो एक और अमेजिंग कैपेसिटी थी, वो क्या थी कि वेजिटेबल को वो प्रोड्यूस कर देता था, और कोई भी जो कुकिंग इन्ग्रीडियंट्स होती हैं, यानी कि जो खाने वाली जितनी भी खाद्य पदार्थ होती हैं, उनको भी वो प्रोड्यूस कर देता था। सीमिंगली आउट ऑफ द नो वेयर, ऐसा महसूस होता था कि कहीं भी नहीं था। इन द मिडिल ऑफ द डिसोलेट लैंडस्केप विद द नो शॉप विजिबल, कोई भी जो दुकान जो है वो विजिबल नहीं थी आसपास उस डिसोलेट लैंडस्केप पे, यानी कि उस एकांत लैंडस्केप पे जहाँ पर महेंद्र की पोस्टिंग हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं माय सराउंड, मतलब दूर दूर तक कहीं पर भी शॉप्स की शॉप्स नहीं दिखाई देती थी, दुकान नहीं दिखाई देती थी। ही वुड मिरेकसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेस मेड विद द फ्रेश वेजिटेबल विद एन आवर्स ऑफ द अराइविंग ऑफ द जिंक सीड शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। तो जो ईश्वरन था वो क्या करता था, मिरेकसली कंजर अप, वो चमत्कार रूप से बना देता था। क्या बना देता था, डिलीशियस डिशेस बना देता था, ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल से, यानी कि वो सब्जी उगा देता था, आसपास दुकानें नहीं होती थी तो सब्जी को उगा के खाना बना देता था, और सबसे डिलीशियस डिशेस बनाता था विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर अंदर ऑफ अराइविंग एट द जिंक सीड शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, किसी भी नए वर्क प्लेस में जिंक सीड शेल्टर जो होता है, मतलब जहाँ पर तंबू जिसको बोलते हैं, तो उसको लगाने से पहले मतलब वो आए उससे पहले वो एक घंटे के अंदर अंदर खाना बना देता था। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र जो है वो जल्दी ही सुबह उठ जाता था, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करने के बाद जो है वो निकल जाता था, कैरिंग सब प्रिपेयर फूड विद हिम, खाने को लेकर वो खाना जो तयार हो चुका होता था। मीनवाइल, इसी दौरान ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, उसी दौरान जो ईश्वरन था वो शेड को, यानी जो छत होती थी उस तंबू की, उसको वो बांध देता था, वॉश द क्लॉथ, कपड़े धोता था, एंड हैव अ लेजरली बाथ, और एक आराम से नहाता भी था। पोरिंग सेवरल बकेट ऑफ द वाटर ओवर हिज हेड, कई बाल्टी पानी अपने सर के ऊपर डाल के नहाता था। पोरिंग में से होता है उड़ेल लेना। मटरिंग प्रेयर ऑल द वाइल, और इसी दौरान जो है वो प्रेयर को भी मटरिंग करता रहता था, मतलब कि प्रार्थना करता रहता था जब वो नहाता था। इट वुड बी दी लंच टाइम बाय देन, और ये तब तक चलता रहता था, कब तक, लंच टाइम तक चलता रहता था, मतलब लंच टाइम तक वो प्रेयर कहता रहता था। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने से पहले जो है वो पढ़ता भी था। अब क्या पढ़ता था, द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू द 100 ऑफ द पेजेस, तमिल की थ्रिलर बुक्स पढ़ता था जो 100 पेजों की थी। थ्रिलर पेजेस, थ्रिलर बुक्स का मतलब होता है जिसमें बहुत सस्पेंस होता है, थोड़ा सस्पेंस वाली जो कहानियाँ होती हैं, वो तमिल की लिखी हुई बुक थी तमिल भाषा में, तो वो उसको पढ़ता रहता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड द नेरेटिव फ्लोरिस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, उस बुक की जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन था, यानी जो काल्पनिक जो वर्णन था, एंड द नेरेटिव फ्लोरिस, और जो जिस तरीके से उस किताब को लिखा गया था, वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, वो ईश्वरन को अपने कब्जे में ले लेती थी, मतलब जो ईश्वरन है वो उस किताब पढ़ते पढ़ते किताब जैसे ही बने जा रहे थे, एकदम हर बात सस्पेंस में करने लगे थे। His own description was greatly influenced by the Tamil author that he read. उसका खुद का जो वर्णन था वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था उस तमिल ऑथर के द्वारा जिसको वो पढ़ता था।
व्हेन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द इंसिडेंट, जब वो कोई भी छोटी सी घटना को भी बताता था ना, मतलब जब कभी भी ईश्वरन कोई छोटी घटना को बताता था, ही वुड ट्राई टू वर्क टू सस्पेंस, तो वो कोशिश करता था कि उस घटना को भी वो सस्पेंस में बताए, एंड सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट, और एक एक सरप्राइज को रखते हुए उसका एंड करें। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए जैसे उसको कहना हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही कम अक्रॉस द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, अगर उसको ये बोलना हो कि मैं हाईवे पे मैंने एक पेड़ देखा जो अपरूटेड था, यानी कि उसमें जड़, मतलब उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है, ठीक है, जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ पड़ा हुआ है हाईवे पे, और मैंने उसको अचानक से देखा। अब इस बात को बोलने के लिए वो पूरी सस्पेंस लगा देता था। देखिए कैसे बोलता था, ही वुड से, वो कहता था विद आईब्रो सुटेबल आर, पहले वो अपनी जो भौहें होती थी उनको एकदम चढ़ा लेता था, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन द ड्रामेटिक गेस्चर, अपने हाथों को एकदम ऐसा हाव भाव देता था, गेस्चर में से होता हाव भाव देना, एक ड्रामेटिक गेस्चर में आ जाता था, और फिर क्या बोलता था इस बात को, मतलब जो सिंपल सी बात को बोलना होता था तो वो उसको सस्पेंस में बोलता था। उसको अगर ये बोलना है कि हाईवे पे मैंने एक उखड़ा हुआ, जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ देखा, तो उसको सिंपल सा ना बोल के सस्पेंस में देखिए कैसे बोलता था, कहता था द रोड वॉज डेजर्टेड, कि जो रोड थी बहुत ज़्यादा सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं अकेला था, सडनली अचानक से आई स्पॉटेड समथिंग द लुक्ड लाइक, मैंने अचानक से कुछ देखा, लुक लाइक एन इनॉर्मस बसी बीस्ट, जो एक बहुत बड़ा सा जंगली जानवर लग रहा था, लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, रोड के उस तरफ पड़ा हुआ था, आई वॉज हाफ इंक्लाइंड, मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड हुआ, मतलब पीछे से पीछे हटा, मेरा थोड़ा सा इरादा हुआ टू टर्न एंड गो बैक, कि मैं पीछे घूम जाऊँ और वापस चला जाऊँ, बट एज आई केम क्लोजर, लेकिन मैं थोड़ा और पास गया, आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, मैंने देखा कि वो एक गिरा हुआ पेड़ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिसकी जो सूखी ब्रांचेस है वो फैली हुई हैं। अब इतनी बात बताने के लिए कि मैंने हाईवे पर एक पेड़ कट टूटा हुआ देखा है, उसके लिए इतनी नौटंकी उसने कर दी, और ऐसे बताता था जैसे बड़ा कुछ क्या बताएं कि अपने मन से सस्पेंस में कहानी बताता था, छोटी सी बात को भी वो बहुत ज़्यादा सस्पेंस में ले लेता था। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन द कैनवास चेयर एंड द लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली, महेंद्र जो है वो उसने अपने आप को जो कैनवास की चेयर पर उस पर उसने अपने आप को फैला लिया, मतलब लेट गया उनकी ऐसी कथाएं सुनकर, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स इन अनक्रिटिकली, और ईश्वरन की जो टेल्स थी यानी जो कहानियाँ थी उनकी बिना आलोचना करे वो चेयर पे लेट गया, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लगता था वो ऐसे बकवास करता रहता था। अब इतनी ही बात में महेंद्र का मुंह चुप नहीं रहता, वो ईश्वरन का मुंह चुप नहीं होता था, वो इसी के आगे कहानी जोड़ने लगता था क्योंकि बहुत अच्छा कहानी कहने वाला था। द प्लेस आई कम फ्रॉम द फेमस फॉरेस्ट, अब ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन ने फिर अपना आगे चालू कर दिया और कहने लगा कि वो जो जगह थी, एक जगह थी, आई कम, मैं आया फ्रॉम द फेमस फॉर टिम्बर, जो टिम्बर के लिए फेमस थी, टिम्बर क्या होता है, जहाँ पर लकड़ी होती, देयर इज़ अ रिची वुडन फॉरेस्ट ऑल अराउंड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल थे, द लॉक्स आर हॉल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट, जो लॉक्स थे यानी जो लकड़ी के लट्ठे थे हॉल्ड, वो लादे जा रहे थे कहाँ पर, हाथी की लॉरीज पे, यानी कि हाथियों के ऊपर लादे जा रहे थे, हाथी की जो हाथी गाड़ी होती है उसके ऊपर लॉक्स लादे जा रहे थे, देयर आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वहाँ पे बड़े बड़े जो हैं जानवर, जंगली जानवर थे, वैन दे, बीस्ट मीन्स होता है जानवर बेटा, वहाँ पे बड़े बड़े हष्ट पुष्ट जंगली जानवर थे, वैन दे टर्न वाइल्ड, और जब वो अचानक से वाइल्ड हो गए यानी जंगली हो गए, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महाउथ इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, अब देखिए जो महावत आया है इसका मीन्स होता है महावत, जो हाथी चलाता है, वेन दे टर्न वाइल्ड, और जब वो जंगली हो गए, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, तो जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस महावत थे वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, आफ्टर दिस
prologue, Iswaran would launch into a elaborate ensuing road involving an elephant. After this prologue, इस prologue के बाद जो Iswaran था वो launch करता था, मतलब अपनी और कहानी बताता रहता था, बकवास करता रहता था, क्योंकि उसको कहानी बनानी बहुत अच्छी आती थी. ऐसी कोई घटना होती नहीं थी लेकिन वो बनाने लगता था. इलाबरेट एंसीडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और वो फिर एक एंसीडोट बना देता था जिसमें हाथी को वो इन्वॉल्व कर लेता था. मतलब बात कहाँ की कहाँ थी, छोटी सी बात बतानी थी कि मैंने एक हाईवे पे एक पेड़ उखड़ा हुआ देखा. अब इस बात को उसने कितना घुमाया फिराया कि मैं गया, मैं अकेला था, मैंने देखा रोड के किनारे एक जानवर लेटा पड़ा हुआ था, मैं पास जाके देखा, मैंने फिर देखा नहीं वो जानवर नहीं, वो एक पेड़ है जो टूटा हुआ है, उसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं. इतनी बातें वो बकवास करता था. फिर इतने से ही उसका मन नहीं भरता था, फिर वो आगे कहानी जोड़ देता था कि एक बार फिर क्या होता है कि वहाँ पे एक बहुत घना जंगल था और वहाँ पे जो है हाथी थे, हाथी के ऊपर लकड़ी के लट्ठे लादे जा रहे थे, तभी हाथी जो है अचानक से वाइल्ड हो गया और जो है महावत वहाँ पर रोक नहीं पाया और कहानी चालू हो गया. तो इस कहानी को आगे वो क्या और बकवास करता है, कितनी बातें बोलता है, वो हम लोग कल पढ़ेंगे. यहाँ तक हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं. ओके, गुड डे.